दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटों से झमाझम बारिश हो रही है और उसका नतीजा ये है कि अब सड़कों पे जल जमाव शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ये प्रगति मैदान के आसपास का एरिया है और 2 से 3 फीट पानी सड़क पर जमा है। हालांकि आज रविवार का दिन है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है रोड पर, लेकिन अमूमन जब इस तरह से वाटर लॉगिंग होती है तो सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक में दिखाई देती है, जहां पर घंटों लोगों को जाम से सामना करना पड़ता है, जाम से जूझना पड़ता है। हालांकि राहत की बात है कि आज रविवार का दिन है, लेकिन अलग अलग जगहों पर दिल्ली से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां पूरी रात बारिश के बाद पानी सड़क पर जमा हो गया है। बहुत सारा पानी जो है वो यहां से निकल भी चुका है, लेकिन सरकार का जो ये दावा रहता है हर बार मानसून को लेकर जो उनकी प्लानिंग होती है उसमें ज़रूर ये कमी दिखाई दे रही है कि इस तरह सड़कों पर वाटर लॉगिंग जो हो रही है उसका कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान उनके पास नहीं है। ये दिल्ली के सिर्फ एक इलाके की तस्वीर है, लेकिन इस तरह की अनगिनत तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग जगहों से आ रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि आज रविवार का दिन है, सुबह का समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सड़क पर नहीं होता है, इसलिए लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जताया है कि अगले 2 दिनों तक बारिश और होगी, यानी कि सोमवार और मंगलवार को भी अगर तेज़ बारिश होती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, ख़ासतौर पर ट्रैफिक के लिहाज से जो तैयारी इस वक्त दिखाई दे रही है दिल्ली सरकार की, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा जो राहत है वो मिलने की उम्मीद नहीं है अगले 2 से 3 दिनों तक। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश रंजन, TV9 दिल्ली NCR। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR, वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।